आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी मसालेदार फिश करी। अगर आप इस तरह से एक बार फिश करी बना लिए तो हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। इस फिश करी में मैंने रेहू मछली का यूज किया है, आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी फिश ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मसालेदार फिश करी बनाना। मैंने 500 ग्राम फिश लिया है, उसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को डाल के अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, उसको भी अच्छे से मिला के मैरिनेट कर देते हैं। ये देखिए मैरिनेट हो चुका है। अब मसाला रेडी कर लेते हैं। उसमें लेते हैं एक चम्मच पीला सरसों, आधा चम्मच काला सरसों, एक चम्मच गोटा धनिया, एक चम्मच गोटा जीरा, चार पांच लाल मिर्च भुट्टा इस तरह से ले लेंगे। उसमें डाल देंगे लहसुन की 15-20 कलियां छील के। अब सबको मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ले लेंगे और इसको बहुत ही बारीक पीस लेंगे। तो हमारा मसाला रेडी हो चुका है। टमाटर ले लेती हूँ बड़े साइज की, उसको कट कर लेते हैं, थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। अब कढ़ाई में ऑयल डालते हैं और फिश मैरिनेट करके जो रखा हुआ है सबको डाल के बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। दोनों तरफ बढ़िया से सेक लेना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इससे फिश बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, करारेदार हो जाएगा। और इसको निकाल लेते हैं। फिर जो बचे हुए फिश हैं उसको भी फ्राई कर लेते हैं। फटाफट से दोनों को अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फिश फ्राई हो चुका है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी करारेदार फिश निकल चुका है। आप इसे हरी धनिया पत्ते की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब ऑयल जो बचा हुआ था उसी में मैं हींग डाल रही हूँ, तेज़पत्ता, काला सरसों और एक लाल मिर्च डाल रही हूँ। उसमें सारे मसाले जो ग्राइंड करके रखे हुए थे वो डाल देते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, टमाटर जो कट करके रखा है वो डाल देते हैं और इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। तो मसाला बढ़िया से जब भून जाएगा तो बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है। तो अब इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से ऑयल छोड़ दे। तो ये देखिए मसाला ऑयल छोड़ने लगा है। तो फिर मछली का जो मसाला होता है ना वो बहुत अच्छे से भुनना चाहिए। तो ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। पानी आप गर्म डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ठंडा पानी से ज़्यादा गर्म पानी अच्छा लगता है, तो गर्म पानी ही डालें। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं फिश। फिश डाल के 2 मिनट के लिए इसे बस बॉईल कर लेते हैं। और ये देखिए फिश कढ़ी रेडी हो चुका है। अब इसमें धनिया पत्ता से इसको सजा देते हैं। तो फिश कढ़ी टेस्टी मसालेदार बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी है, जो कि बहुत इजी वे में और बहुत ही कम मसालों में बना है। तो ये फिश करी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।